राइट ओवर देयर इंपैक्ट ऑफ जेट. डेफिनेशन, इंपैक्ट ऑफ जेट, इंपैक्ट ऑफ जेट, जेट इज अ स्ट्रीम ऑफ वॉटर. राइट डाउन, अ जेट इज अ स्ट्रीम ऑफ वॉटर. Coming out of the nozzle, coming out of a nozzle, coming out of the nozzle with high velocity under constant pressure, with high velocity अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो ये डेफिनेशन हमने दे दिया इसका जेट का. लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ जेट. कंसिडर दिस इज अ पाइप, इसके अंदर ये जो पार्ट रहेगा इसको नोजल बोलेंगे. ये नोजल से जेट ऑफ वॉटर इज कमिंग आउट. So this is known as jet of water. और इस पोर्शन को हम बोलेंगे नोजल. इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे नोजल यहां पे. नेक्स्ट, ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज पाइप. करेक्ट, यहां तक क्लियर है? पाइप, नोजल, जेट. और जेट से जो वाटर एग्जर्ट होगा it will be having a velocity v. please draw the diagram of jet. chapter ka naam hai impact of jet. humne jet padha kya hota hai, ab uska impact kya hoga, that we are going to study. impact of jet ka matlab kya hota hai, barabar. for example sarvesh jaise khada hai, khada maine khinch ke ek laafa mara. so maine kuch impact diya uske gaal pe, par yaar usse kya hoga, that we are going to study. so impact of jet means usse likho. impact of jet means aap dekhte hain bas. impact of jet means force exerted by the jet on a plate which may be stationary or moving. the plate may be flat or curved. प्लेट में भी फ्लैट और कर्व. मतलब जेट देखा है तुम लोगों ने, कहां कहां जेट देखा है? वॉशरूम में देखा है, और कहां देखा है? और प्लेन में जेट होता है, और कहां पे होता है? हाँ, प्लेन में जो साइड में लगे रहते हैं ना, वो जेट होता है. फिर नाव में पीछे साइड, और कहां देखा है जेट? जहां पे भी हाई प्रेशर रहेगा छोटे से एरिया से, तो में भी होगा, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. यस, नेक्स्ट. वाटर से काटते हैं ना सर, वाटर से. हाँ, वो भी है, वो भी जेट है. सो ये जो काम करता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्सिव मोमेंटम. ठीक है, लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंपल्सिव मोमेंट. एप्लीकेशन कहां पे ये यूज होगा, इंपैक्ट ऑफ जेट कहां पे यूज होगा? देखो, इंपल्सिव टर्बाइन एप्लीकेशन लिख दो, कहां यूज होगा? इंपल्सिव टर्बाइन पे यूज होगा. टर्बाइन एक मीडियम होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक मशीन होता है विच कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल टू काइनेटिक एनर्जी, बराबर. वॉटर टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो फाइनल आउटपुट आएगा.
So this force is obtained from, देखो, this force is obtained from Newton's second law of motion or impulsive momentum theorem. Let us understand what do you mean by impulsive momentum theorem. Take a heading, impulsive momentum theorem. Take a heading, impulsive momentum theorem. It states that change in momentum of an object is equal to impulsive applied to it. So impulsive momentum ka formula kya hai, Newton se second law pe define karta, force is equal to mass into acceleration. Force ka formula hota hai mass into acceleration. Acceleration matlab change in velocity with respect to time. Yahan tak clear hai? So m को dt इधर ले लेता हूं मैं, because mass cannot be changed with respect to time. Mass हमेशा सेम रहता है बॉडी का, बराबर. मैं आज यहां हूं, भाग रहा हूं, वहां पहुंचा तो मास फर्क नहीं पड़ेगा उतना, उधर उतना ही रहेगा. और dv को स्प्लिट करूंगा मैं, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा मैं, तो ऐसे इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. सो इंपल्सिव मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो m बाय dt टर्म को बोलते हैं मास फ्लो रेट, लास्ट सेमेस्टर भी पढ़ा था हमने मास फ्लो रेट. इसका फॉर्मूला रहेगा रो इनटू क्यू. iv का मतलब कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. fv का मतलब फाइनल वेलोसिटी. ये कौन सा इक्वेशन बन गया, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बन गया, बराबर. ये फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट इन टर्म्स ऑफ इंपल्सिव फोर्स, ये इंपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को हमने मॉडिफाई करके इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऐसा बनाया, प्लीज लिख के लो. रो क्यू का मतलब मास फ्लो रेट. नहीं, अब अपने सिलेबस में है क्या, कंटेंट कितना है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ होल सिलेबस. वी आर गोइंग टू स्टडी जेट ऑन वेरियस सर्फेसिस. हम लोग जेट का स्टडी करने वाले वेरियस सर्फेसिस के ऊपर. जेट समझता है ना, जो इंग्लिश टॉयलेट में वॉशरूम में रहता है वो जेट, वही जेट है. वो छोटे स्केल पे है, कोई एप्लीकेशन है उसका, वो कहीं पे भी हो सकता है. तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, उसका एक बेसिक पढ़ने वाले कि एग्जैक्टली हमारा जेट कहाँ कहाँ कर सकते हैं यूज. तो हम लोग अलग अलग केसेस लेंगे. लेट अस कंसीडर ये जेट है, ये देखो ये जेट है, ठीक है, ये जेट है. अब इसको हम क्या करना है, अलग अलग केसेस के ऊपर स्टडी करना है. एक फ्लैट सरफेस है, बराबर. पहला केस ले लेते हैं, एक फ्लैट सरफेस है और फ्लैट सरफेस के ऊपर हमने क्या किया है, इसको एक वर्टिकल पकड़ा है. तो फर्स्ट केस विल बी प्लेट इज वर्टिकल. प्लेट कैसा है, वर्टिकल. और ये मैं जेट से इस पे मार रहा हूं, जेट से मैं इस पे मार रहा हूं. सो यहां पे क्या है, ये केस में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस प्लेट पे, बराबर. ये जेट से जब मैं इस पे मारूंगा, अरे उधर कर रहा ना, प्लीज बराबर, जेट से मार रहा हूं. सो ये मेरा प्लेट कैसा है, वर्टिकल. पहला केस क्या था व्हेन फ्लैट प्लेट इज वर्टिकल. पहला केस समझ में आया, पहला केस आया समझ में. पहला केस क्या है, व्हेन फ्लैट प्लेट इज वर्टिकल. सेकंड केस देखते हैं, फ्लैट प्लेट जो है मेरा वर्टिकल है, करेक्ट. सेकंड केस में इंक्लाइंड है. सेकंड केस में क्या है, ये इंक्लाइंड है, करेक्ट. कुछ नहीं था समझ में आया. तीसरा केस क्या रहेगा, एक कर्व सरफेस है, दिख रहा है कर्व सरफेस, और इसके ऊपर ऐसा प्रेशर लगा देंगे.
तीन केस समझ में आए, तो तीन केस क्या क्या है? फर्स्ट केस क्या है? तीन केस और बना रहा कौन सा केस है बताओ? वर्टिकल है, फ्लैट सरफेस है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, मूविंग रहेगा। ये क्या रहेगा? प्लेट इज मूविंग। पहली बार में क्या हो रहा था? प्लेट मैंने दीवार पे फिक्स किया था, मैं कितना भी फोर्स लगाओ ये आगे नहीं मूव होगा, होगा मूव नहीं। बट सेकंड केस में कहीं फ्री बॉडी पे है और जैसे ही ये फोर्स एग्जर्ट हो नहीं होगा, देखो यहाँ मूव होता है, जैसे ही फोर्स एग्जर्ट होगा ये थोड़ा पीछे जाएगा। समझ में आया? फ्लैट मूविंग, इंक्लाइन मूविंग, मूविंग। समझ में आया? टोटल केस कितने हुए? यही पूरा सब्जेक्ट है, यही पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर है। पूरे सब्जेक्ट में यही करना है, हर बार फोर्स निकालना है अलग अलग मशीन पे, बराबर। तो ये जो चैप्टर है इंपैक्ट ऑब्जेक्ट, ये छह केसेस कर लिए ना तो समझो चैप्टर हो गया। ये छह केस भूलोगे नहीं? भूलोगे ना? स्टार्ट राइटिंग द केस। फॉलोइंग केसेस ऑफ इंपैक्ट ऑफ जेट, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट, प्लेट इज वर्टिकल, प्लेट इज इंक्लाइन, प्लेट इज कर्व। और इसमें दो केसेस स्टेशनरी है। टोटल कितने केस पड़े हमने? छह। स्मार्ट है। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ वर्टिकल स्टेशनरी फ्लैट प्लेट, मतलब ये ऐसा जेट है, पर एक फ्लैट प्लेट है। इस सिंबल का मतलब प्लेट इज फिक्स, ये सिंबल का मतलब होता है प्लेट इज फिक्स। और ये इसके ऊपर जेट पे मारा, और जेट पे मारने के बाद ये ना ऐसे फ्लैट होके ऐसे पूरा फैलेगा पानी, समझते हैं? इमेजिन करो ये फ्लैट सरफेस है, ये जेट है। जैसे मैं मारूंगा एक हाई प्रेशर से, तो अगर आप देखोगे स्पेशिंग हो रहा है, यहाँ पे पानी जो ऐसे फैल रहा है चारों साइड, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? देखो ध्यान से देखो, So, प्रेशर का फॉर्मूला होता है इंपल्स मोमेंटम के हिसाब से रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, बराबर। रो तो हो गया मास डेंसिटी, क्यू मतलब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। इनिशियली जो वेलोसिटी था जेट के अंदर वो क्या था? V. जब उसको मार दिया, ये जेट ऑफ वाटर है, बराबर, ये जेट ऑफ वाटर है, ये जब जेट ऑफ वाटर इधर जा रहा है, इट इज कैरिंग सम वेलोसिटी, वेलोसिटी कैरी कर रहा है, लेकिन जैसे ही उधर जा रहा है उसका तो गिर जा रहा है नीचे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है? जीरो हो जा रही है, गिर जा रहा है नीचे वो। अब वो ट्रैवल कर रहा है क्या आगे? वो वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है क्या आगे?
वो जेट का वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है आगे, नहीं वहां से नीचे जा रहा है। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? सो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला हो गया प्रेशर मतलब फोर्स ही, रो ए वी स्क्वायर। तो हमने पहला फॉर्मूला रेडी कर लिया, पहला फॉर्मूला रेडी कर लिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ फ्लैट स्टेशनरी प्लेट। तो उसका फॉर्मूला रहेगा मास डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ जेट, जो भी एरिया रहेगा जेट का, इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट, उसको स्क्वायर। पहला फॉर्मूला मिल जाएगा। सो कौन सा फोर्स मिलेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगा, वर्टिकल तो एब्सेंट है इसके अंदर, बराबर। अगर एक जेट से मारू मैं तो मैं बता सकता हूं इतना फोर्स लगा रहा हूं मैं, डिपेंडिंग कितना उसका एरिया है। पहला केस समझ में आया? प्लीज स्टार्ट राइटिंग। केस टू, अब इसमें क्या हो रहा है? हमने क्या किया? मूविंग कर रहे हैं। केस वन हमने क्या किया? स्टेशनरी। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे? मूविंग। ये हटा देता हूं, समझा? अब क्या हो रहा है? ये प्लेट जैसे ही इस पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ये आगे के साइड मूव हो जा रहा है, समझा? सो यहां पे जो फॉर्मूला आएगा, लिसन हियर, फॉर्मूला हो जाएगा F is equal to rho q, initial velocity minus final velocity. Agree? So initial velocity जो यहाँ पे काम करेगा ना students, वो रहेगा relative velocity. Relative मतलब relation, moving में, दो चीज moving में. Example के तौर पे, ये अपना हेमा भाग रहा है, suppose एक लड़की के पीछे भाग रहा है, बराबर वो बोल रहा है कि राखी बांधना है, वो भाग रही है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी काम कर रही है, एक वेलोसिटी v1 v2, तो दोनों के बीच की जो वेलोसिटी है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी मूविंग है, यहाँ पे मूविंग क्या चीज है? दो चीज मूविंग है, क्या क्या मूविंग है? प्लेट, जेट, दोनों चीज मूविंग है। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट करेगी, सो रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, यहां तक क्लियर है? सो रिलेटिव वेलोसिटी होगा क्या? रिलेटिव वेलोसिटी होगा डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी, बी का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ जेट, यू का मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट, ये प्लेट भी तो मूव होगा ना, तो ये यू हो जाए और ये वी हो जाए, आया समझ में? यू मतलब वेलोसिटी ऑफ जेट, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ जेट, यू मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है, ये देखना, रो ए वी माइनस यू, वी माइनस यू आफ्टर स्ट्राइकिंग जीरो हो जाएगा। एक बार जेट ने प्लेट को मार दिया, प्लेट गिर, पानी गिर जाएगा ना, जीरो हो जाएगा फाइनल, सही बात कर रहा हूं? सो फॉर्मूला क्या बनेगा? रो ए वी माइनस यू उसको, समझा? आपको पांच मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर वन में आएगा ये डेरिवेशन, तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम and I write this statement. Then, not derivatives. बहुत important है, एक बार concept समझ गया तो formula रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। Simple भाषा में बोलू, जब भी stationary रहेगा उसमें v जो रहता है ना उसको replace कर दो v minus u से, आपका moving का formula बन जाए, सही बात कर रहा हूं? Second case लिख के रहो, इसमें
सो ये डायग्राम बनेगा इंक्लाइन केस के अंदर, राइट डाउन जेट प्लेट नोजल पाइप. ओके आ जाएगा इधर ध्यान देना, ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये क्लियर है, ये प्लेट है, ये प्लेट का परपेंडिकुलर है, ये प्लेट है, प्लेट का परपेंडिकुलर, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट. अभी ध्यान देना, ये फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, लेट अस मार्क दिस एंगल एज थीटा, 90 डिग्री बन रहा है, तो x हो जाएगा अगेन 90 बन रहा है, थीटा हो जाएगा अगेन 90 बन रहा है, x हो जाएगा थीटा x थीटा x. कोई डाउट है? इनिशियली जो वेलोसिटी जा रहा है उस वेलोसिटी कितना है? v है. Since the plate is inclined, it will resolve into two components. जिसके साथ थीटा रहेगा वो टर्म रहेगा cos. तो यहां पे आ जाएगा बोलो v cos थीटा, और एग्जैक्ट जहां पे x है वहां पे आ जाएगा sin थीटा. आया समझ में? डन. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ जेट बी, दिस इज द प्लेट इंक्लाइन. मैंने इसको रिजोल्व किया फोर्स को दो कॉम्पोनेंट में, एक पैरेलल टू द प्लेट, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेट. पैरेलल टू द प्लेट कॉस थीटा, यहां पे तो कॉस आ जाएगा, जहां थीटा नहीं है ऑपोजिट में साइन आ जाता. यहां तक कोई डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं है अपने को, करेक्ट. सो यहां तक ड्रॉ करके लो, फिर आगे का डिस्कशन चालू करेंगे. कपल कपल आर भी रहेगा एक वर्टिकल. कंफर्मेशन तो हो गया तो आगे बढ़ूंगा. हो गया? ओके ध्यान देना, ये वही फ्लैट प्लेट है इंक्लाइन के केस में. लग रहा है सेम इंक्लाइन है कि अलग लग रहा है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, लग रहा है जेट ऐसे जा रहा है, ऑफ पे गया,
मुझे इंटरेस्ट है नॉर्मल फोर्स. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट परपेंडिकुलर. नॉर्मल का मतलब एग्जैक्ट परपेंडिकुलर. सो ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल. समझ में? कमिंग बैक टू माय इमेज, ये प्लेट है सर बराबर, तो इसमें नॉर्मल फोर्स बोलो ये वाला रहेगा. हाँ नॉर्मल रहेगा. एग्री? नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना है? इसका एक्स में कितना आएगा फोर्स? फोर्स आएगा इधर, ये इंटीरियर एंगल तो ये इंटीरियर एंगल, एक्स रहेगा तो साइन आ जाएगा, अपोजिट में क्या आ जाएगा? सो ये हमको क्या बताया कि सर जब मेरा प्लेट इंक्लाइंड रहेगा और उस पर जब जेट मारोगे तो उस पर जो नॉर्मल में फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो रहेगा वेलोसिटी ऑफ दैट जेट इनटू साइन थीटा. कितने एंगल से इंक्लाइंड है वो? कितने एंगल से तुमने प्लेट को इंक्लाइंड रखा है? इतना 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 इतना, कितने से इंक्लाइंड रखा है वो एंगल थीटा. समझ में आया? यस सर. ये 45 है. इट कैन बी एनी एंगल, लेट अस मार्क एज थीटा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? नॉर्मल. सो वो नॉर्मल फोर्स को अगर रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में तो एक एफ एक्स बनेगा, एक एफ वाई बनेगा. बिकॉज खत्म करो कॉपी का लोग का. हेलो सोचने की जरूरत भी तो वाला कोई आ जाए.
क्या बोला नॉर्मल जो फोर्स रहता है अगर मैं उसको रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में एक्स और वाई में एग्जांपल के तौर पे देखो एक समझो एक कुनाल है जस्ट इमेजिन करो कुनाल है एक कुनाल नाम का बंदा है हम जानते नहीं उसको बराबर उसको क्या करते दो लोग खींच रही अपने पास ये मेरा है करे बराबर ये खींच रहे दो खींच रहे सो कुनाल थोड़ा ऐसे मुंह होगा थोड़ा ऐसे मुंह होगा फिर इसके पास पहुंचेगा करेक्ट मतलब जिस पोजीशन पे था वो यहां पे जाने के लिए ही हैज ट्रैवल्ड सम वर्टिकल डिस्टेंस सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यहां पे दो टाइप के फोर्स काम किए टू मूव दैट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दैट इज fx एंड fy सो नॉर्मल फोर्स को अगर रिजॉल्व करेंगे x और y डायरेक्शन में सो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना फोर्स x डायरेक्शन में काम किया कितना फोर्स y डायरेक्शन में काम किया जब वो प्लेट उड़ेगा तो ऐसे जब इंक्लाइंड है तो थोड़ा इधर और इधर ऐसे और मैं हॉरिजॉन्टल यस चलो इसका नॉर्मल बनाएंगे इसका नॉर्मल एक रिएक्शन बनाएंगे तो देखो इधर ध्यान देना अगेन एफ नॉर्मल इज इक्वल टू रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी कल तो बहुत उदास थे रो ए वी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वी साइन थीटा और फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यू क्यू जीरो कोई भी वाटर जेट अगर स्ट्राइक करेगा एक सरफेस पे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा कुछ तो स्पीड था समझ में इसका फॉर्मूला बनेगा रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा समझा अब मुझे एफएक्स ढूंढना है आओ बेटा कॉस क्यू नहीं लिया एफ नॉर्मल का वैल्यू कितना है समझला ओके एफ एक्स इज इक्वल्स टू सर एफ एक्स तो होता है एफ एन साइन थीटा हमने पढ़ा है अरे रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा समझला एफ वाई क्या होता है एफ एन कॉस थीटा एफ एन की जगह क्या लिखू रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा सा पढ़ लिया यस दिस आर द थ्री फॉर्मुलेस व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइन स्टेशनरी मूविंग कर रहा है मूविंग v माइनस u स्मार्ट है चलो स्टार्ट करो केस फोर क्या किया दोस्त इसमें अरे कुछ नहीं किया मूविंग कर दिया v माइनस u चला लिखूं क्या रोकर फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम लोग प्लेट इज मूविंग ये हट जाएगा और मूविंग का सिंबल बता देंगे बराबर समझ में आ रहा है मान इसका वेलोसिटी यू हो जाएगा तो फॉर्मूले में फर्क क्या गिरेगा ये क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा दोस्त इधर क्या हो जाएगा दोस्त वो रिलेटिव रहता है रिलेटिव v माइनस u समझा
will you finish that pass khatam karo case 4 ओके विल अंडरस्टैंड केस 5 केस 5 है फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ कर्व स्टेशनरी प्लेट एट सेंटर एंड द प्लेट इज सिमेट्रिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ कर्व सिमेट्रिकल स्टेशनरी प्लेट एट सेंटर विल ड्रॉ द डायग्राम सो ये पाइप होगा ये नोजल होगा और ये जेट होगा ठीक है और ये जेट स्ट्राइक कर रहा है कर्व प्लेट पे ये कर्व प्लेट कुछ ऐसा है देन ये कर्व प्लेट है और ये फिक्स है स्टेशनरी बोला ना मैं तो ये फिक्स है और जैसे ही स्ट्राइक किया इसने ये ऐसे स्ट्रेच होकर बाहर निकलेगा तो लेट अस कंसीडर जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी v थी और फाइनल वेलोसिटी के एंगल से वो टर्न हो जाएगा लेट अस मान लेते हैं एंगल जिससे गया वो थीटा हो गया तो ये हो जाएगा v cos थीटा v sin थीटा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या बोलता है इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलता है इज इक्वल टू रो ए वी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट f ऑफ x तो ये सब x के फंक्शन है तो f ऑफ x इज इक्वल टू रो ए वी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना है v है कितना है v है फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है माइनस v cos थीटा माइनस q लेफ्ट माइनस और माइनस प्लस v cos सो f ऑफ x कितना आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर कॉमन ले लिया v भी कॉमन 1 प्लस cos थीटा आया समझ में सो ये f ऑफ x का फॉर्मूला है फॉर केस नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट पे आएंगे सम के जिसके अंदर हमको वर्टिकल फोर्स निकालना है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू रो ए वी वी वन वाई माइनस वी टू वाई सो रो ए वी वी वन वाई की वैल्यू कितनी है इनिशियली कोई वेलोसिटी या डायरेक्शन नहीं है जीरो माइनस वी साइन थीटा रो ए माइनस कॉमन ले लेते हो बाहर b स्क्वायर साइन थीटा ये f ऑफ y का फॉर्मूला बन गया केस नंबर कौन सा खत्म हो गया केस 5 खत्म सो दिस इज केस 5 नेक्स्ट केस इज केस 6 केस 6 क्या रहेगा स्टूडेंट्स केस 6 रहेगा अपना फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ कर्व सिमेट्रिकल प्लेट एट सेंटर व्हेन द प्लेट इज मूविंग केस 6 क्या रहेगा ओके लेट अस अंडरस्टैंड केस 6 सो इसमें क्या रहेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ कर्व सिमेट्रिकल प्लेट व्हेन द प्लेट इज मूविंग ये पाइप नोजल ये जेट स्ट्राइक कर रहा है ये कर्व प्लेट ठीक है ये कर्व प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है एंड द प्लेट इज मूविंग मतलब इनिशियली प्लेट यहां पे था आफ्टर स्ट्राइकिंग ये प्लेट आगे चल रहा है अब ये प्लेट यहां चल और फिर वॉटर रेजिस्टेंस पी बी बी एंगल थीटा ये प्लेट प्लेट इज मूविंग ये वाटर स्प्लैश के बाद ठीक है स्प्लैशिंग हो रहा है सब पानी का फंक्शन सो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा स्टूडेंट्स बी माइनस यू कॉस थीटा यहां पे भी हो जाएगा बी माइनस यू बी माइनस क्यू जब दो वेलोसिटीज घूम रही है साथ में चल रही है जेट की वेलोसिटी प्लेट की वेलोसिटी तो वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी That is v minus q. So f of x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रो ए रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन माइनस
इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है रो ए वी माइनस टू वी वन माइनस टू इनिशियल वेलोसिटी वी माइनस टू है जो पूरी वेलोसिटी है ये दोनों का डिफरेंस वी माइनस टू माइनस ऑफ माइनस वी माइनस टू कॉस रो ए वी माइनस यू उसको स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला केस नंबर सिक्स केस नंबर इसका सेकेंड पार्ट एफ ऑफ वाई रो ए वी माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन रो ए v minus u y direction में कोई velocity नहीं है so it will become zero minus v minus u यहाँ पे cos है तो definitely ये sin theta रहेगा ना जिसके साथ angle नहीं हो sin minus rho a v minus u को square sin theta ये f of y का ना तो ये कितने केस खत्म हो गए अपने sixth केस हो गए We'll go through case 7. Force exerted by a jet on a symmetrical curved plate, stationary but tangential. यहाँ पे jet क्या कर रहा है? Strike तो कर रहा है. Curved plate पे. Curved plate symmetrical भी है, stationary भी है. ये curved plate, stationary इस symbol का मतलब है plate is stationary. But tangential ही मार रहा है. यहाँ से मार रहा है. बराबर? जो jet exert कर रहा है pressure, ये nozzle है. यहां से ठीक है जब ये एग्जर्ट करेगा इनिशियली उसकी वेलोसिटी है बी वन जब वो एग्जर्ट किया तो एक वेलोसिटी हो जाएगी बी बराबर वी टू करेक्ट ये वी टू सो यहां पे भी अगेन रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में लेट अस एज्यूम ये एंगल थीटा अब यहां पे भी स्प्लिट होगा दो डायरेक्शन में बी कॉस थीटा बी साइन थीटा निकल भी रहते हैं v cos theta v sin so impulse momentum equation kya banega students f of x is equal to rho q initial velocity minus final velocity rho q matlab av initial velocity in x direction minus final velocity in x direction f of x ka formula f of x is equal to rho av initial velocity x direction mein hai v cos theta फाइनल वेलोसिटी है माइनस वी कॉस थीटा इज इट क्लियर माइनस वी कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस माइनस वी कॉस थीटा ना और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस तो फॉर्मूला बन जाएगा टू रो ए यार कौन हाँ टू रो ए v square cos v cos theta plus v cos theta is 2v cos theta so v square cos theta वरना इसको और सिंपल करूं मैं rho a v v v कॉमन है बाहर ले लिया तो v square हो गया cos theta plus cos theta cos square theta नहीं होगा मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हो रहा है सो 2 हो जाएगा सो ये हो जाएगा 2 cos इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखो जो पहले लिखा था 2 rho a v square cos ये f of x इसका f of y ठीक है इसका f of y बना के देखते हैं कि कैसा बन रहा है f of y ठीक है स्टूडेंट्स सो f of y इज इक्वल टू rho q इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी rho a v v1y माइनस v2y rho a v y direction में है v sin theta final velocity है v sin theta plus भी आएगा मतलब plus v sin theta minus formulas cancel cancel zero so f of y क्या आएगा zero आएगा तो ये कौन सा केस कंप्लीट हुआ केस 7 हो गया एक लास्ट केस केस नंबर 8 वो समझ के लेते हैं कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है केस 8 के अंदर देखो केस 8 क्या रहेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ अनसिमेट्रिकल स्टेशनरी कर्व प्लेट
टेंजेंशियल, मतलब इसके अंदर जो कर्व प्लेट है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो देखो अनसिमेट्रिकल, देखो कर्व प्लेट चेक वेलोसिटी रिजॉल्व। देखो अनसिमेट्रिकल तो यहां थीटा रहेगा बट वो निकलेगा दूसरे एंगल से, लेट अस सपोज वो निकल रहा है पाई एंगल, तो ये क्या हो जाएगा b cos pi, और ये क्या हो जाएगा pi sin pi, b sin pi, ये क्या हो जाएगा b cos theta, ये क्या हो जाएगा b sin theta। तो f of x का फॉर्मूला इसके अंदर क्या हो जाएगा, rho ab v1x minus v2x, तो rho ab v1x है b cos theta minus b cos pi। So, अगर इसको फॉर्मूला बनाना है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, और इसका वाई का फॉर्मूला मिलेगा एफ वाई इज इक्वल टू रो ए वी बी वन वाई माइनस बी टू वाई। सो ये बन जाएगा रो ए वी बी साइन फाई वी साइन थीटा माइनस बी कॉस फाई rho a v square sin theta minus sin phi, ये बन जाएगा f of y का formula। तो ये कौन से केस का है, when plate is unsymmetrical, तो theta और phi दो एंगल, जाते समय दूसरा एंगल एक एंगल रहेगा, निकलते समय दूसरा एंगल रहेगा। तो यहां जाके पूरे अपने आठ केस कंप्लीट हो गए। थैंक यू।